सो हेलो एवरी वन, जय हिंद। वेलकम टू मैन अवर एजुकेशन। माई नेम इज यश कुमार संपट एंड टूडे वी विल डिस्कस द वीकली करंट अफेयर्स द वर्ल्ड दिस वीक, फोर्थ वीक ऑफ जैन 2022 एंड द डेट इज अबाउट 22nd टू 31st ऑफ जैन। बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट आई वॉन्ट टू डिस्कस दैट। सो इफ यू आर टारगेटिंग द टॉप बी ए कॉलेजेस एंड वॉन्ट टू अपियर द एम एच बी एड सी टी एंड अदर्स इंट्रेंस एग्जाम फॉर द बी एड, वेर यू विल गेट द लाइव लेक्चर एंड क्लासरूम लेक्चर, बुक्स, शॉर्टकट्स, shortcut method to solve the question, doubt classes, recorded video, topic wise test, mock test, WhatsApp group, 10,000 plus question and mentorship. Okay, so mentor will guide you properly for your exams. If you are Mumbai based student and want to know more about the classroom programs, so you can call on Dadar Center, Borivali Center and Vasai Center. And if you want to know the live program, so you can call on this number 8828581455. Okay, otherwise, and you can also visit on our website www.minervaredu.com/bedentrance. Now see the question. So first question is, which country has organized the Asia Ministerial Conference on Tiger Conservation? So we have a four options over here: India, Malaysia, UK and Sri Lanka. So question यही कह रहा है कि भाई Asia Ministerial Conference on Tiger Conservation है वो कहाँ पर organize किया गया है या कौन सी country ने organize किया है, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ, correct answer is about the Malaysia. So Malaysia ने यहाँ पर उसको organize किया है। साथ ही साथ उसका अगर discussion करें, so GTF which is called the Government of Malaysia एंड ग्लोबल टाइगर फोरम, जो कि फोर्थ एशिया मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन को जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है। यहां पर जो भूपेंद्र यादव जी है, हु इज द इंडियाज यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो यहां पर उन्होंने ही इस स्टेटमेंट को डिलीवर किया है। साथ ही साथ ग्लोबल टाइगर समिट टू बी हेल्ड इन द रशिया, तो ये चीज यहां पर आपको याद रखनी है, जो कि न्यू दिल्ली के डिक्लेरेशन के साथ ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयशा मलिक बिकम द फर्स्ट एवर वुमन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री। आयशा मलिक जी जो है वो पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट के कौन सी कंट्री के बने हैं, इसराइल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के? सो करेक्ट आंसर इज द पाकिस्तान। लेट अस डिस्कस, हाई कोर्ट जस्टिस आयशा मलिक जी हैज अपॉइंटेड एज पाकिस्तान फर्स्ट एवर वुमन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ये चीज यहां पर आपको सिर्फ याद रखनी है। सो ये है हमारे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जस्टिस आयशा मलिक जी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द स्ट्रीट स्केपिंग एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड्स प्रोजेक्ट ऑन द लाइंस ऑफ यूरोपियन सिटीज। वी हैव फोर ऑप्शंस, ओडिशा, तेलंगाना, दिल्ली और गोवा। तो यहाँ पर स्ट्रीट स्केपिंग के बारे में पूछा गया है और ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड्स के बारे में भी कहा है, तो कौन सा सिटी रहेगा? तो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। लेट अस डिस्कस, सो ये है स्ट्रीट स्केपिंग एंड द ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड्स प्रोजेक्ट ऑन द लाइन्स ऑफ यूरोपियन सिटीज। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लॉन्च किया है। 9 सिलेक्टेड स्ट्रीट्स अक्रॉस द सिटी आर टू बी रीडिजाइन एंड रीडेवलप टू मेक दैम यूजफुल फॉर साइकिलिस्ट, पेडेस्ट्रियंस एंड मोटरसाइकिलिस्ट, उन लोगों के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ 600 मीटर की जो स्ट्रेच ऑन लोधी रोड, यहाँ पर याद रखिएगा, लोधी रोड के ऊपर 600 मीटर की स्ट्रेच बनाई गई है, जो कि एक हिस्टोरिक मोमेंट्स के एरिया के आसपास ही बनाई गई है। सो इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रीट स्केपिंग एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ द रोड्स। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, योग्यता मोबाइल फोन एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड बाय, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है एप्लीकेशन? कॉमन सर्विस सेंटर्स, CSC, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज, प्लीज गाइज गेस इट, करेक्ट आंसर इज अबाउट द फर्स्ट वन, कॉमन सर्विसेज सेंटर, CSC। सो लेट अस डिस्कस, द कॉमन सर्विसेज सेंटर हैज रिसेंटली लॉन्च द योग्यता मोबाइल फोन एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन है उसका यही एक एम है कि भाई वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए और साथ ही साथ स्किल एनहांसमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है उसको डेवलप की जाए यूथ के अंदर, और जो अदर सिटीजन्स हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं उसकी भी स्किल हम इम्प्रूव कर सके। और इस प्रोग्राम के अंदर, यानी कि इस एप्लीकेशन के अंदर, दो तीन तरीके के कोर्सेज रहेंगे, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी है, CAD है और 3D प्रिंटिंग भी शामिल है, जो कि कोई भी व्यक्ति को आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में काम लगेगा।
ठीक है। नेक्स्ट न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द विच स्टेट और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स DGGI। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि गुड गवर्नेंस की बात हो रही है और चार ऑप्शन भी है, केरला, जम्मू कश्मीर, गोवा एंड सिक्किम। सो लेट अस डिस्कस द करेक्ट आंसर इज दैट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं कि भाई भारत का जो पहला ही एक ऐसा हम कह सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी, अभी तो ये यूनियन टेरिटरी ही है कि भाई जम्मू कश्मीर ने यूनियन जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस की जो इंडेक्स है उसके बारे में बात करी है, वो रिलीज किया गया है। तो ये भारत का पहला ऐसा रीजन है जम्मू कश्मीर जिन्होंने गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में बात करी है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे अमित शाह जी हैं, ठीक है, जिसके हाथ में जम्मू कश्मीर की एक किताब है जिसके अंदर गुड गवर्नेंस की बात करी गई है। और द इंडेक्स इज अ फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट, एक फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट है जो कि असेस द परफॉर्मेंस एंड अंडर 10 गवर्नेंस सेक्टर्स विद द 58 इंडिकेटर्स, यहाँ पर उसके 58 इंडिकेटर्स भी पाए जाते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है वो है डिस्ट्रिक्ट बाई ऑफ डोडा, सांबा, पुलवामा एंड श्रीनगर इन द यूटी यानी कि जम्मू कश्मीर, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been selected for Assam's highest civilian award, Assam Vaibhav? यहां पर आसाम वैभव के लिए सिविलियन अवार्ड के तौर पर किस व्यक्ति को सिलेक्ट किया गया है, रतन टाटा जी को, गौतम अदानी जी को, मुकेश अंबानी जी को या अजीम प्रेम जी को? सो करेक्ट आंसर इज दोस्तों रतन टाटा जी। लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन, द आसाम गवर्नमेंट इज सेट टू द कॉन्फर द स्टेट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आसाम वैभव ऑन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट रतन टाटा जी। तो यहां पर आप उसका फोटो देख सकते हैं, ये हमारे रतन टाटा जी पूरे भारत देश के प्रिय। The state will also confer Assam Vaibhav, Assam Saurav and Assam Gaurav Awards. ये तीनों के साथ उसको सम्मानित confer किया जाएगा, साथ ही साथ Assam Sarv Award will be conferred on the five personality including the Olympic medalist Lovlina Borogahaini। तो उसको भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। Let us discuss next news. INS Kukri Memorial is located in which state or union territory? INS Kukri कहाँ पर located है, पंजाब में, दीव में, पुडुचेरी में या तो गोवा में? So correct answer is दीव। So दीव में उसका जो memorial है, location है, यहाँ पर उसको देखते हैं कि भाई INS Kukri Memorial जो है, INS यानी Indian Naval Ship जो कि is Indo-Pakistani War Memorial commemorating frigate attacked बाय पाकिस्तानी सबमरीन 1976। तो यहाँ पर याद रखें 1976 के दौरान उसको किया गया था, पाकिस्तानी सबमरीन के द्वारा अटैक किया गया था। INS Kukri द लीड शिप बाय ऑफ द इंडियन नेवीज Kukri क्लास कॉर्वेट्स। सो दोस्तों कॉर्वेट्स, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर सारी चीज़ें अलग है, कॉर्वेट्स की अगर बात करी जाए तो कॉर्वेट्स यही है कि अगर कोई भी जंगी जहाज़ है यानी कि वॉरशिप है वो अगर एक साथ मिसाइल लेके चलती है, मुसाफिरी करती है तो उसको कॉर्वेट्स बोला जाता है। तो INS Kukri यही है कि है जिसका जो प्रोडक्शन है यानी कि इट इज़ बिल्ड बाय दी मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा इसको बिल्ड किया गया इन दी एंड आफ्टर दैट कमीशन किया गया 1989 के दौरान उसको कमीशन किया गया था। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है एक, और साथ ही साथ ये जो पूरा का पूरा रीजन है दीव का रीजन है और दिसंबर महीने में उसको डिसकमीशन किया गया था, दीव के अंदर डिसकमीशन करने के बाद दीव को सेंड किया गया था 2021 के अंदर, ठीक है, फॉर द पब्लिक डिस्प्ले के लिए कि अवेयरनेस बढ़े, लोगों को डिफेंस फील्ड क्या है उसकी मोटिवेशन मिले, इसके लिए INS Kukri मेमोरियल को दीव में अभी लोकेटेड किया गया है। सो लेट अस डिस्कस दी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभा अत्री हु वॉज कन्फर्ड द पद्म विभूषण, तो यहां पर याद रखिए पद्म विभूषण के बारे में बात हो रही है, इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड, लिटरेचर, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और सिविल सर्विसेज। तो मैंने एक दो तीन न्यूज पहले ही आप लोगों को बताया था कि भाई पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री किसको कहा जाता है, किसको दिया जाता है, ओके। सो यहां पर उसकी आपको फील्ड बतानी है कि पद्म अटारी की कौन सी फील्ड के लिए, म्यूजिक की फील्ड के लिए दिया गया है। लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है हमारे पद्म, ये
है हमारे प्रभा अटारे जी, ठीक है। तो उसको 89 ईयर ओल्ड किराना घराना के एक वोकलिस्ट है जिसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जिन्होंने 11 बुक्स लिखी है म्यूजिक के अंदर, म्यूजिक के ऊपर ही, और वो भी हिंदी और इंग्लिश के अंदर ही। साथ ही साथ सी एस्टैब्लिश द स्वर्णिम गुरुकुल, स्वर्णमय गुरुकुल को इसको ने एस्टैब्लिश किया। और दूसरे जो पद्म विभूषणार्थी है उसका नाम है राधेश्याम खेमका, जिसको लिटरेचर फील्ड में, जनरल बिपिन रावत साहब को सिविल सर्विसेज की फील्ड में, और कल्याण सिंह जी को पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में वेयर ऑल्सो अवार्डेड द पद्म विभूषण। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन निकल सकते हैं। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट न्यूज़। What is the type of authorization granted to Covishield and Covaxin vaccinations as of January 2022? तो यहाँ पर आपको टाइप बताना है, कौन से टाइप का ऑथोराइजेशन जिन्होंने ग्रांटेड की है इसको, ठीक है। इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथोराइजेशन, कंडीशनल मार्केट ऑथोराइजेशन, एसेंशियल मार्केट ऑथोराइजेशन या फुल मार्केट ऑथोराइजेशन। सो करेक्ट आंसर इज द कंडीशनल मार्केट ऑथोराइजेशन। तो ये चीज यहां पर आपको याद रखनी है, उसी के द्वारा यहां पर सारी की सारी चीजें होगी कि द ड्रग रेगुलेटर हैज ग्रांटेड द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड एंड भारत बायोटेक्स कोवैक्सीन कोविड 19 वैक्सीन कंडीशनल मार्केट ऑथोराइजेशन। तो यहां पर आपको उसका मैन्युफैक्चर किन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया है उसके बारे में याद रखना है, और साथ ही साथ यहां पर आपको याद रखना है कि ये जो कंट्रोलिंग बॉडी है जिन्होंने ग्रांटेड की है उसका नाम क्या है, जिसका नाम है कंडीशनल मार्केट ऑथोराइजेशन। Let us discuss the next question. When is the International Customs Day observed every year? तो हर साल ये कस्टम डे को ऑब्जर्व किया जाता है, कौन सी डेट रहेगी, 25 जन या 26 या 28 और या 30? सो करेक्ट आंसर इज द 26 जनवरी को इंटरनेशनल और कस्टम्स डे को सेलिब्रेट या ऑब्जर्व किया जाता है। सो इंटरनेशनल कस्टम डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी, जब भी हमारा रिपब्लिक डे रहता है, ठीक है, उसी दिन से आप कोरिलेट कर याद रख सकते हैं। एंड वर्ल्ड विद द यूनाइटेड नेशन एज द होस्ट, तो यहाँ पर याद रखो एक CCC द कस्टम कॉरपोरेशन काउंसिल अनाउंस द ऑब्जर्वेशन ऑफ ICD इंडियन इंटरनेशनल कस्टम डे इन 1953, ठीक है, 1953 के दौरान उसको 1953 के दौरान उसको अनाउंस किया गया था। एंड द वर्ल्ड कस्टम्स डे विच इज कॉल्ड द WCO, ठीक है, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, उसको रीनेम कर दिया गया था CCC को बाद में, यानी कि CCC इज कन्वर्टेड टू द WCO इन द 1994, ओके, 1994 को उसको कन्वर्ट कर दिया गया था। और दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि उसकी थीम भी पूछी जा सकती है कि 2022 की उसकी थीम क्या थी। सो उसकी जो थीम थी वो थी स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्ब्रेसिंग अ डेटा कल्चर एंड बिल्डिंग अ डेटा इकोसिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पर ये थोड़ा उसका लंबा चौड़ा थीम है, पर आपको ये डेटा के तौर पर से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्ब्रेसिंग अ डेटा कल्चर एंड द बिल्डिंग अ डेटा इको सिस्टम्स। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 2022 विंटर ओलंपिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे हमने देखा था कि ओलंपिक्स के भी बहुत सारे टाइप्स है, समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, ठीक है, उसके हिसाब से विंटर ओलंपिक्स की बात हो रही है यहाँ पर। सो ऑप्शंस आर हियर जापान, चाइना, रशिया और USA। सो करेक्ट आंसर इज दी चाइना, ओके। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि चाइना के अंदर विंटर ओलंपिक्स 2022 है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और साथ ही साथ ये जो है बीजिंग, चाइना के बाजू में है बीजिंग, वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2022 का विंटर ओलंपिक्स, ठीक है। सो 4-2, 20 फेब याद रख लीजिएगा 2022, ठीक है, 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और उसका शेड्यूल किया गया है बीजिंग के अंदर, जो कि नेबर, एक नेबरिंग टाउन है चाइना के अंदर। एंड उसका जो
रिपोर्ट रिलीज किया गया है, इट इज रिलीज्ड बाय द स्पोर्ट्स इकोलॉजी ग्रुप एंड सेव अवर विंटर्स हैज स्टेटेड द डेंजर्स फॉर आर्टिफिशियल स्नो टू बी प्रोड्यूस इन द ओलंपिक्स ऑन एथलीट्स बॉडीज। तो यहाँ पर जो ओलंपिक्स के अंदर आर्टिफिशियल स्नो बनाया जाता है तो ये काफ़ी हद तक हानिकारक है हमारे जो एथलेटिक्स है उसकी बॉडी के लिए, तो उसके बारे में यहाँ पर काफ़ी चर्चा है की गई है स्पोर्ट्स इकोलॉजी ग्रुप के द्वारा। तो ये चीज़ यहाँ पर आप याद रखें। एंड ऑल्सो वॉर्न्ड अबाउट द वाटर वेस्टेज दैट हैपन्स फॉर द स्नो एट दिस गेम्स, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप यहाँ पर। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्टेड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्स फॉर सप्लाई ऑफ एंटी आर्मर वेपन। ठीक है, जो हम लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, ठीक है, एंटी आर्मर वेपन बनाने की जो एंटी आर्मर जो है, ठीक है, तोड़ने की उसके बारे में बात की गई है। तो भाई इंडियन आर्म्ड फोर्स ने एक चीज़ सिलेक्ट की गई है, वो कौन सी सिलेक्ट की है, साब, रोमी, स्नाइपर या धर्मा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज दी साब। लेट अस डिस्कस अबाउट दी साब। स्वेडिश डिफेंस कंपनी साब हैड बीन सिलेक्टेड बाय द इंडियन आर्म फोर्सेज थ्रू अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम फॉर द सप्लाई। तो यहाँ पर आप दोस्तों ये जो फोटो देख पा रहे हो, ठीक है, ये एक्चुअली यही फोटो में जो गन दिखाई दे रही है विच इज कॉल्ड दी एंटी आर्मर वेपन, ठीक है, एंटी आर्मर वेपन जो कि एक रॉकेट लॉन्चर जैसा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। एंड 84 जो है उसका एक नाम है और उसी की एक सीरीज है जो कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने इसको यूज किया है, ठीक है। अभी साब के बारे में बात करें तो उसका जो फाउंडेशन है ये फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये पूछा जा सकता है कि उसका फाउंडेशन 1937 में और उसका जो हेडक्वार्टर है स्वीडन के अंदर स्टॉकहोम में, एंड उसके जो प्रेसिडेंट और सीईओ है वो है माइकल जॉनसन, ठीक है। तो ये चीज यहां पर आप याद रखिए फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फॉलोइंग विंस टाइटल एट सैयद मोदी बैडमिंटन 2022, ठीक है। तो जो 2022 का सैयद मोदी बैडमिंटन है किसने अपने नाम किया और किसने विन किया, पीवी सिंधु जी ने, साइना नेहवाल जी ने, ज्वाला गुट्टा जी ने या श्रीकांत जी ने? तो करेक्ट आंसर इज दी पीवी सिंधु जी। लेट अस डिस्कस द न्यूज, एस इंडिया शटलर जो पीवी सिंधु जी है उन्होंने अपने वुमन सिंगल कैटेगरी के अंदर ये खिताब को हासिल किया। ये टूर्नामेंट जो थी सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो कि लखनऊ में थी और साथ ही साथ उन्होंने ये टाइटल 2017 में दूसरी बार पहले जीता था और इस बार दूसरी बार जीता। साथ ही साथ बाबू बंसारी दास, यहाँ पर याद रखिए बाबू बंसारी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ के अंदर है जो कि यूपी में है, ठीक है, तो वहाँ पर यह टूर्नामेंट हुई थी सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट और 18-23 जनवरी 2022 के बीच में ये टूर्नामेंट हुई थी। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखिए कि लखनऊ के अंदर 18-23 जनवरी फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फॉलोइंग विंस इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड। तो वर्किंग वुमन अवार्ड का जो इंटरनेशनल एसोसिएशन के द्वारा खिताब मिला है या उसने विन किया है वो लेडी कौन है, शिल्पा शेट्टी जी या शमिता शेट्टी जी, सुष्मिता सेन जी या सोनाक्षी सिन्हा जी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज दी सुष्मिता सेन जी। तो आप लोगों ने दोस्तों एक सीरीज देखी होगी आर्या टूगर कर, उसके दो सीजन आ चुके हैं, पहला भी है दूसरा भी है, जिसके अंदर उसके जो पतिदेव है उसकी एक ड्रग प्लेडर के तौर पर बाद में मृत्यु हो जाती है, ऐसी कुछ स्टोरी है। अच्छी तरीके से आप देखें तो उसके रिगार्डिंग उसको एक इंटरनेशनल एसोसिएशन के द्वारा खिताब मिला है वर्किंग वुमन का। तो ये चीज़ याद रखें आर्या टू, ठीक है। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व एज पाकिस्तान सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व एज पराक्रम दिवस एवरी ईयर। सो पराक्रम दिवस, सो दोस्तों यहां पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 22nd जनवरी, 23rd जनवरी, 24th जनवरी एंड 25th जनवरी, ठीक है। सो हियर इज द फोर्थ ऑप्शन इज हियर, सो करेक्ट आंसर इज द 23rd जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पर 23rd जनवरी जी जनवरी को यहाँ पर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जयंती भी थी, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसकी 125वीं जन्म जयंती थी और उसी के तौर दिन के ऊपर इस दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें और गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको यही नाम से सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया है टू द ऑनर ऑन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन दी दिस ईयर इज दी 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और जनवरी 23rd 1897, ठीक है,
1897 की 23 जैन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ डेट है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर याद रखिए। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन। सो इफ यू आर टारगेटिंग द टॉप बीए कॉलेजेस एंड वांट टू अपीयर द एमएच बीएड सीटी एंड अदर्स एंट्रेंस एग्जाम फॉर द बीएड, वेयर यू विल गेट द लाइव लेक्चर एंड क्लासरूम लेक्चर, बुक्स, शॉर्टकट्स, shortcut method to solve the question, doubt classes, recorded video, topic wise test, mock test, WhatsApp group, 10,000 plus question and mentorship. Okay, so mentor will guide you properly for your exams. If you are Mumbai based student and want to know more about the classroom program, so you can call on Dadar Center, Borivali Center and Vasai Center. And if you want to know the live program, so you can call on this number 8828581455. Okay, otherwise, and you can also visit on our website www.minervaredu.com/bedentrance. So यहाँ पर हम लोगों ने आज के जो important questions पूछे जा सकते हैं for your exam point of view, वो आज हम लोगों ने discuss किए। वैसे ही हम लोग आगे discuss करेंगे day by day, आपको current affairs भी देंगे। और याद रखना दोस्तों, हमारा जो session है जो 12 बजे से convert हो चुका है 11 बजे का, किसका दोस्तों? daily करंट अफेयर्स का, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स का हमारा जो पहले 12 बजे सेशन होता था हर रोज, वो अभी कन्वर्ट हो चुका है 11 बजे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस काइंड ऑफ द सेशंस। सो थैंक यू एंड जय हिंद, बाय।